सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। मेरे आगे तो करने आज जान बचे न थारी, वापस चालिया जा छोरे कजा सीट पे छारी। छट के तम खड़े सूरमा, छट छट के तम खड़े सूरमा, बेरा पते बहू में समझाऊं मैं कल के छोरे, समझाऊं तन कल के छोरे, क्यों कर अटे बहू में। तोड़ दिए दो द्वार मने भी, तोड़ दिए दो द्वार मने, छत अपन छटे बहू में। और ना माने ते देख आज के चाला कटे बहू में। जिंदगी मत खोवे तेरी, रोवेगी महतारी। लहू तोड़ के फते करूंगा आज वो ताकत मेरे में। तू किसने भेज दिया बहका के फचा काल के रघेरे में। धरण पछाड़ू जो आगे आवे भेजू स्वर्ग बसेरे में। तू अलहड़ ना दाने अभी कित ना बल को नर तेरे में। हालो तीर कमान हाथ में जो चाहो अजमाना। खाक पड़े उस अर्जुन पे छिप के बैठर मरदाना। कड़बी बाणी मत बोलो तम, कड़बी बाणी मत बोलो मत, मारो ऐसा ताना। तेरे बाप ने अपने बदले तू चाहा मरवाना।
राजा छोरे क्यों मोती से पैछारी। प्रेमी श्रोताओ, जयद्रथ को मूर्छित करके गुरु द्रोण को पराजित करते हुए और कर्ण के आगे अपनी वीरता दिखाते हुए अर्जुन पुत्र अभिमन्यु कृपाचारी के सामने अड़ गया। कृपाचारी के रथ को पलट के अश्वत्थामा तेजा लड़ाई लड़ी और मेहरबानों आज तो यमराज की तरह से उस अभिमन्यु ने छठे द्वार पर गुरु सर्वा को भी पछाड़ दिया। मेहरबानों छह द्वार तोड़ दिया आज बहादुर बालक ने और सातवें द्वार में प्रवेश कर गया वो भी। फिर क्या था, सातवें द्वार में जयदेव के ताज के टुकड़े टुकड़े कर दिए उस वीर बालक ने। संत ध्वनि होने वाले थी। मेहरबानों उस मौके का दृश्य देखिए, सुनने लायक है। अरे कैरों के दल में मच रही हाहाकार, रे कैरों के दल में मच रही हाहाकार। ए पंती के पाते ने भाइयों तोड़ दिए छह द्वार, रे कैरों के दल में मच रही हाहाकार, मच रही दिया पछाड़। सोलह बरस का बालक रण में काट रहा बेरी की राड़, बाणों ते घायल हाथी रण भूमि में मारे चिंगाड़। मारे शेर दहाड़ वीर कारा पे होया सवार, मच रही हाहाकार, रे तेरों के दल में मच रही हाहाकार। सभी महारथी छिपके बैठे कायरता का करके भेष, खट्टे दांत करे बालक ने जान बचाए सभी नरेश। ऐसे नेश करे सभी महारथी मारे था ललकार, रे कौरव के दल में मच रही हाहाकार, हे मच रही हाहाकार, बड़ा मच रही हाहाकार, रे तेरों के दल में मच रही हाहाकार।
करण दुर्योधन ने योद्धा बचा रहे थे जान, अर्जुन के बेटे ने खाली कर दिया रण का मैदान। अर्जुन सा बलवान जंग में, अर्जुन सा बलवान जंग में पर मारा मार रे तेरों के दल में मच रही हाहाकार रे तेरों के दल में मच रही हाहाकार। बदनामी के बोल बजे बालक ने करया हाल बिहाल, लाज बचाओ गुरु द्रोण कुछ सौरव दल का करियो ख्याल। लिखे महाशेर सी पाल यो लिखे महाशेर सी पाल हुई कविता सदा बहार रे दल में मच रही हाहाकार। ये कुंती के पोते ने भाइयो तोड़ दिए छे द्वार रे तेरों के दल में मच रही हाहाकार रे तेरों के दल में मच रही हाहाकार। क्या दृश्य था, अकेले अभिमन्यु वीर बालक ने सभी महारथियों सहित सारी सेना को पछाड़ दिया। कितने मौत के घाट उतार दिए उस वीर बालक ने। हौसले परस्त दुर्योधन ने जिधर देखा उधर मूर्छा आई हुई थी, और जब देखता तो यमराज की तरह सामने अभिमन्यु खड़ाई देख रहा था। साथियों इशारा किया गुरु द्रोण के लिए, महाराज गुरुजी आपने तो वादा किया था कि आज कोई ना कोई महारथी मारा जाएगा और दुर्योधन तेरी विजय होगी, लेकिन सब उल्टा मामला हो रहा है। ये क्या है, तुमने और दादा ने ये सब पांडवों से मोह निभाया है, तुम्हें मुझसे बैर है। मेहरबानों द्रोण ने बताया, दुर्योधन ऐसा मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मैंने इसके हाथ में जो कंगन बंधा देखा है ये एक ऐसी आन और मर्यादा है कि इसके सामने अगर यमराज भी आ गया तो अभिमन्यु आज हार नहीं सकता। महाराज कोई ना कोई उपाय करो किस तरह से। मेहरबानों सुनिए। अरे द्रोण गुरु जी करियो ख्याल, तज दुर्योधन रंज मलाल। आज का जब हो गया गुरु, अभी ते मौका सिमल जाने का है, कौन सा तरीका विजय पाने का है। अभी ते मौका सिमल जाने का है, कौन सा तरीका विजय पाने का है। द्रोण गुरु जी करियो ख्याल, तज दुर्योधन रंज मलाल। आज का जब हो गया गुरु, अभी ते मौका सिमल जाने का है, कौन सा तरीका विजय पाने का है।
बताओ, विधि बिना तम विजय न पाओ, कृपा करके लाज बताओ, करण बलि को पास बुलाओ, करण पे के धरा गुरु सभी यो तहार गए, यो ते मैं भी जानू कितने स्वर्ग ने सिधार गए, आज का जब हो गया हो गया गुरु, अभी ते मौका सिमल जाने का है, कोई सतरी का विजय पाने का है। धीरज धर लो छत्तर धारी, वार करो मत द्रोणाचारी, धीरज धर लो छत्तर धारी, दिख रही आज हार हमारी, खोज घनी बालक नर मारी, त्रह त्रह करे सेना सतमंडल दरम्यान में, सुनो तुम तरी करे तू क्षेत्र में दान में, आज का जब हो गया गुरु, अभी पे मौका सिमल जाने का है, कोई सातरी का विजय पाने का है। करण के हाथा जीत करानी, आप लौट के मुश्किल आनी, करण के हाथा जीत करानी, फिर चोटी करण नहानी, करण को मालूम नहीं कहानी, भूल ना एहसान आज जंग में जिताओ जो, करण के हाथा हमल बालक के मरवाओ, कौन सा तरीका विजय पाने का है, अभी पे मौका सिमल जाने का है। बालक हारेगा इसका अंशी इसे मारेगा, गुरु नहीं बालक हारेगा इसका अंशी इसे मारेगा, करण ही इबका रज सारेगा, पहुंची तोल धरन तारेगा, ऋषिपाल फिर आज करण ही जिताएगा, को सुंदर यो करण के हाथों कंगन टूट जाएगा, आज का जब हो गया गुरु, अभी ते मौका संभल जाने का है, कौन सा तरीका विजय पाने का है, दौड़ गुरु जी करियो ध्यान, कल दुर्योधन रंग मलाल, आज का जब हो गया गुरु, अभी ते मौका संभल जाने का है, कौन सा तरीका विजय पाने का है। वक्त बड़ा बलवान होया करता है और होनी के आगे अच्छे अच्छे मुनि योद्धा हार गए। साथियों बताया द्रोण ने दुर्योधन बस एक तरीका है, इसका अंशी इसे मार सकता है और तेरे पक्ष में इसका अंशी केवल करण है, करण के हाथों ये कंगन जो इसके हाथ में पहुंची है वो टूट जाएगा और इसके टूटने के बाद भगवान भी इसे बचा नहीं सकता। मेहरबानों
कर्ण के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होगा दुर्योधन, कर्ण बलि मेरा नाश हो लिया बिल्कुल दिन धोल, और गैरा की बात में आके मैंने सब इज्जत खोली। अगर पहले मैंने भेद लग जाता तो मैं हर के युद्ध नहीं कराता, और युद्ध भी कराता तो अपने हिसाब से कराता। मेहरबानो किस तरह से कर्ण ने आंखों से पट्टी बांधी, और बेरहम जो दया उमड़ के उसके दिल में आ रही थी, मैं अपने भतीजे पर आज कैसे वार करूं। लेकिन दोस्तों नमक खाया था, वार कर दिया और कर्ण के हाथ का कंगन टूट गया, घोड़े और रथ नीचे गिर गया। दोस्तों रथ के पहिए से युद्ध किया, मेहरबानो उधर तो ये मारामार हो रही थी, ये अपघात हो रहा था, और उधर पुत्रा को जो सपना दिखाई दिया था कैसे उसकी आत्मा भटकने लगी, और क्या अपने शास्त्रों को बता रही है। अरे सो थी बेखबर पड़ी, मैं सो थी बेखबर पड़ी, मन सपना दिया दिखाई, ए चक्कर दूम मेरे पति ने ते हद लड़ी लड़ाई। सो थी बेखबर पड़ी, मन सपना दिया दिखाई, ए चक्कर दूम मेरे पति ने ते हद लड़ी लड़ाई। द्रोण ने सात द्वार बनवाए, सात महारथी खड़े करे जो महायोद्धा कहलाए। कर्ण दुशासन दुर्योधन उड़ मामा सलबी आए, ये सारा हाल कहूँ रण का ना पति मेरे घबराए। सारा हाल कहूँ रण का ना पति जीत के आए, फूल सुहाग के कुमलाए मेरी आँख खुली घबराई, चक्कर व्यूह में मेरे पति ने बेहद लड़ी लड़ाई। पहलम माद्रोणाचारी, तेरी माया रूपी शक्ति थी जो मेरे पति से मारी। रणभूमि में घेर रहे उड़ बड़े बड़े बलकारी, तेरी अश्वत्थामा सपनी जिसने सदा करी गद्दारी। गीत खुशी के मागारी वे, गीत खुशी के मागारी, पैरों की फिरी लुगाई, तेरे चक्कर व्यूह मेरे पति ने बेहद लड़ी लड़ाई। भारी घाव हुए तन में ना पति मेरा घबराया, तेरी सात महारथी पैरों ने मिल साजन मार गिराया। गोदी में लिया उठा पति को धर्म राज जतराया, तेरी करके बैर मरे के सर पे ना पाजे दथ में ठाया। खबर लगी पिता अर्जुन आया, उन आके पिता बनाई, मेरे पति ने बेहद लड़ी लड़ाई। धर्मवीर ने ज्ञान लिया गुरु कपट कमाई करके, तेरे मेरे ससुर ने परण करया गांडीव हाथ पे धर के, गाड़ मार के रोया मां मरे पूत की कोड़ी भर के, अरे जैदथ ने मारण की ठानी कृष्ण नाम सुमर के। स्वर्ग मिले रण में मर के
सुख पाल स्वर्ग मिले रण में मर के बाकी करते लोग बधाई तेरी चक्कर व्यू में मेरे पति ने बेहद लड़ी लड़ाई से अभिमन्यु तेरी विजय हो, धन्य हो तेरी वीरता, धन्य हो उस जन्य की कोख जिस सुभद्रा ने तुझे जन्म दिया। मेहरबानों ऐसे खुशी की बात कहकर और ये कहकर कि अभिमन्यु आज तेरी विजय हो गई। अभिमन्यु बालक नादान था, कुछ क्षण के लिए सब कुछ भूल गया उस बढ़ाई में, और मेहरबानों निकम्मी कौरवों ने पीछे से वार कर दिया और आज बहादुर बालक को धोखे से धराशायी कर दिया। दोस्तों बताते हैं कि उस पापी जयद्रथ ने सिंधुराज जो दुर्योधन का बहनोई था मरे के सर पर लात मारी बेहोशी में भटक रहा था अभिमन्यु का मन और कह रहा था ताऊ करण अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मेरा अंत समय है, मेरे पिता अर्जुन को मेरी मौत का समाचार देना और ये और बताना कि इस पापी जयद्रथ ने मेरे मरते दम सर पर लात मारकर मेरा और मेरे वंश का अपमान किया है। मेहरबानों करण की आंखों में आंसू आ गया था। उधर ये आवाज ये दुख की लहर आज अब अभिमन्यु के पिता अर्जुन के दिल पर कहर बीत रहा था। कहने लगे केशव जी मैंने सुशर्मा को पराजित कर दिया, इसकी सेना को मार डाला, युद्ध जीत कर आज मेरे दिल में वो खुशी नहीं जो होनी चाहिए थी, मेरी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, काया कांप रही है, कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता, बढ़ाइए रथ को उधर चल रहे। मेहरबानों उधर जो सपना दिखाई दिया था साचा हो गया। उत्तरा का वो खबर आज सुभद्रा को मिली, तेरा पुत्र अभिमन्यु आज लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो गया, भला कैसे शोक। मुखड़ा मोड़ चला अरे चाचा ताऊ मात पिता पत से माता को चला चाचा ताऊ मात पिता पत से नाता को चला अभिमन्यु मेरे कुंवर नाता तोड़ चला माने छोड़ दे घर गया तू कौरव वीर पछाड़ दिए फिर जहू में कैसे घिर गया तू किस पापी ने जुलम करा मेरे रंज गात में भर जा तू
भेज बताता जा कहां गया लाल अनभोर मेरे। सुगड़ सलोन मोर मेरे कृष्ण शिविर की ओर बढ़ रहे हैं।
और मेहरबानों, जब अर्जुन और कृष्ण शिविर में घुस गए तो अंधेरा हो चुका था। रोजाना अर्जुन के आने पर अभिमन्यु शिविर से निकल के आया करता था। अर्जुन ने देखा कि आज अभिमन्यु भीतर से निकल के क्यों नहीं आया, आज अपने पिता अर्जुन को प्रणाम क्यों नहीं किया। मेहरबानों, चारों तरफ चकाचौंध से खड़े हो गए, आज हुआ क्या। मेहरबानों, अब तो केशव भी चुपचाप खड़े हो गए थे। जैसे ही धर्मराज, भीम, नकुल, सहदेव की ओर अर्जुन ने नजर घुमाई तो मेहरबानों शोक सागर में डूबे हुए थे। कहने लगे, भ्रातृश्री युधिष्ठिर, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, क्या कारण बन गया। मेहरबानों जवाब नहीं आया। फिर कहने लगे, भीम, क्या कोई घटना घट गई और मेरा प्यारा पुत्र अभिमन्यु कहां है, आज दिखाई नहीं दे रहा है। मेहरबानों, किस तरह से धर्मयुद्ध में अर्जुन को करुणा भरे स्वरों में आंखों में आंसू आ रहे थे, हिम्मत नहीं पड़ रही थी। आज अपने भ्राता श्री अर्जुन को मैं अभिमन्यु की मौत का कारण कैसे बताऊं। मेहरबानों, फिर भी दिल थाम कर यूं कहने लगे, होगी अर्जुन कहते मैं फट जाती, अरे अभिमन्यु हो गया पराया, कौरव बन गए घाती। ए अनहोनी होगी अर्जुन कहते मैं फट जाती, अभिमन्यु हो गया पराया, कौरव बन गए घाती। भैया दुनिया थूक सारी, ये नहीं सुहावे कुछ भी हमने, रंज होया बड़ा भारी। रणभूमि में गुरु द्रोण ने करी खूब दादारी, बन गए घाती। सातों पे मार की एक
तक खड़ा कराया। पहले पजा रथ द्रोण ने दूजा द्वार कब जाया, तीसरे द्वार पे करण बलि ने अपना बल अजमाया। अब मनु हो गया पराया, कौरव बन गए धाती। द्वार पे दुर्योधन ने अभिमन्यु दिया घेरवा, घेर के साथ महारथियों ने दिया निहत्था मारी वा, धोखे ते मारा तेरों ने मिले एक रोज कजरवा। पराया कौरव बन गए घाती। के घाट उतारे ताज तोड़ दिया दुर्योधन का, रेत करे टुकड़े न्यारे न्यारे, धर्म रंज में रो रो के अर्जुन ने व्यथा सुनारे। ए बालक ने रणभूमि में महर्षि मारे, कितने योद्धा मार मार के मौत के घाट उतारे। ये ताज तोड़ दिया दुर्योधन का, करे टुकड़े नार नारे, धर्म रंज में रो रो के अर्जुन ने व्यथा सुनारे। ऋषि पाल संग समझारे यो महफिल सुनना चाहती, अब मनु हो गया पराया कौरव बन गए घाती।
प्यारे दोस्तों, धर्म युधिष्ठिर ने सारी रणभूमि की कथा सुनाई। भाई अर्जुन, आज ऐसा हो गया जो कभी सपने में नहीं सोचा था। भूल तो हमारी ये हुई कि हमने नादान बालक को रणभूमि में भेज दिया, लेकिन अभिमन्यु की जीत थी साथियों। और ये बताया, जब अर्जुन शोक सागर में डूब गए मौत का समाचार सुनते, तो युधिष्ठिर ने बताया, भैया अर्जुन, अभिमन्यु कायरता से नहीं लड़ा था। अभिमन्यु तो बहादुरी की लड़ाई लड़के वीर गति को प्राप्त हुआ है, लेकिन सबसे बुरा यह हुआ कि जब अभिमन्यु धराशायी बेहोश था, तो पापी जयद्रथ ने हमारे छत्रापण और हमारे कुल की मर्यादा का अपमान किया है, उसके सर पर लात मार गई। मेहरबानो, अभिमन्यु की लाश को शिविर में लाया गया और अभिमन्यु की लाश को देख के अभिमन्यु की मां सुभद्रा, द्रौपदी पतिव्रता उत्तरा कुमारी और दादी कुंती करोने का ठिकाना नहीं था। मेहरबानों, जिसे हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। कितना ही कृष्ण समझा रहे थे कि ये तो सृष्टि का नियम है, आना और जाना। युधिष्ठिर, तुमने सही बताया। अर्जुन, होश में आओ, ये रणभूमि में लड़ना और वीरगति को प्राप्त होना तो ये क्षत्रिय का धर्म है। रोने से कायरपन महसूस होता है, रोने से क्षत्रिय का धर्म घटता है। मेहरबानों, किस तरह से जब अभिमन्यु की लाश को चिता में रखा गया, तो कैसे आज क्रोध की चिंगारी धधक जाती है अर्जुन के दिलो दिमाग में और कहने लग गया, होना तो नहीं था जो हो गया। और जयद्रथ पापी, कल आने वाले युद्ध में मैं क्या करूंगा। बेटे अभिमन्यु, अगर तेरी रूह मेरी आवाज को सुनती हो तो मेरी आवाज को सुन, तेरे बदले तेरी मौत का बदला चुकाऊंगा इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में। सुनिए, तेरी चंदर मासी साले आज रने भूमी में सो जागी।
सबर शांति आवे, गम में यो गम दिन घना जम नो तेरे बरसावे, कुल सह देव भीम मरे सुत की चितार बनावे।